कबीर कह रहे हैं जिसने अपना मन जोड़ा संसार से, वह मन प्राण के छूटते ही खुद अपने हाथ से अपने सारे संबंध तोड़ के निकल जाता है। जिन जोड़ी तिन तोड़ी। मरने वाला आदमी के विषय में योग वशिष्ठ ये कहती है कि मृत्यु के क्षण में हर मनुष्य के हृदय में यह ज्ञान जागृत हो ही जाता है कि पूरा संसार असार है। वशिष्ठ राम को उपदेश देते हुए कहते हैं, मृत्यु काल में एक क्षण में इन अ फ्लैश यह ज्ञान प्रकट हो ही जाता है, सबके हो जाता है कि सारा संसार असार है, और कितना ही आसक्ति और ममता वाला हो, प्राण के छूटते ही घर द्वार पत्नी बच्चे सबसे मोह हटा करके निकल जाता है। कहे कबीर, सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी, तुमने जोड़ा भी खुद है, तुम तोड़ोगे भी खुद। लेकिन उस मृत्यु की घड़ी में अगर ऐसा ज्ञान फ्लैश में क्षण भर को आ भी गया तो वो किस काम का, सारा जीवन तो बर्बाद कर दिया। तो जीवन जीते हुए में ये होश होनी चाहिए, जीवन चलते हुए में यह ज्ञान जागृत होना चाहिए, जीवन श्वास चलते हुए पर यह बोध जग जाना चाहिए कि प्राण है तो काया की कीमत है, प्राण नहीं तो काया की भी कोई कीमत नहीं है। और विचारवान कौन है जो इस पर चिंतन करे कि प्राण क्या है, काया क्या है, और मेरी काया कब तक चलेगी, और इसके पहले कि काया मिट्टी हो जाए, इस काया में जो अमर अविनाशी है मैं उसको जान लूं। ज्ञानवान तो यही करेंगे। जो अज्ञानी है, जिनके अभी भ्रम है और ममता है, वो क्या करेंगे, वो देह को मैं मानेंगे, देह को मेरा मानेंगे, और इसी अज्ञान और इसी भ्रम में बचपना गवाएंगे, जवानी भी गवाएंगे और बुढ़ापा भी गवाएंगे, और मौत ले जाएगी फिर एक दिन प्राण को, और देह तड़पेगी कुछ देर, और फिर मिट्टी, और मिट्टी पहुंच जाएगी मिट्टी में। कबीर जी के इन सुंदर वचनों पर चिंतन कीजिए, सोचिएगा, मनन कीजिएगा, और अपनी काया को देखते हुए यह प्रश्न स्वयं को पूछिएगा, और यह प्रश्न अपनी काया से भी पूछिएगा, ए काया कब तक साथ देगी, और ढूंढो अपने अंदर प्राण को और पूछो प्राण से कि प्राण तू क्या है, कौन है, तेरा रहस्य हमें कब समझ आएगा। और सत्य यह है, जिसने प्राणों को ना जाना उसने क्या जाना। मन तो बहुत सूक्ष्म है, बुद्धि बहुत सूक्ष्म है, और आत्मा तो अति सूक्ष्म है, उसको तो जानेंगे कब, अभी इसी को जान लो ना जो तुम्हारे सामने सामने है। एक विचार करने के लिए एक स्थिति में तुमको देती हूँ। देखो, रोज सुबह स्नान के बाद तुम कंघी करते हो, हाँ कंघी करते हो तो 2-4-10 बाल निकलते ही हैं। तो जितने बार कंघी करो और बाल निकलें, तो जल्दबाजी में बालों को कूड़े में मत फेंको, उन बालों को हाथ में पकड़ो और सोचो और विचार करो, अब ये देह का हिस्सा नहीं रहे, हम खुद अपने हाथ से इसको कूड़े में फेंक रहे, तो देह की क्या कीमत है। देह देखो कैसे, जिन बालों को हम सहेज के संवारते थे, शैम्पू करते, कंडीशन करते, सुधारते, तेल लगाते, स्टाइल करते, वही सिर वही बाल निकल गए जो कंघी करते हुए में, साथ छूट गया, कहाँ फेंका, खुद अपने हाथ से कूड़े में फेंक दिया, तेरे ही बाल थे। अच्छा, तुम वापिस चिपकाना चाहो तो चिपकेंगे नहीं, लगेंगे खोपड़ी में वापिस, काश लग पाते तो दुनिया में कोई गंजा ही नहीं होता, ऐसा कोई रसायन बना नहीं है। एक रसायन ऐसा है जिससे दूसरे हुए, दूसरे लोगों के उतरे हुए बालों को खोपड़ी में चिपकाते हैं। एक सर्जन है, डॉक्टर हैं एक, वो मुझे बता रहे थे, वो हेयर ट्रांसप्लांट के और बड़े माहिर हैं, और ऐसे प्लास्टिक सर्जन हैं, वो मुझे कह रहे थे कि हम लोग सर्जरी होती है उसमें खोपड़ी में ऐसे हम कट लगाते हैं, कट लगा करके वो नकली बाल उसमें डालते हैं, फिर उसको बंद करते हैं। ये भगवान, एक एक बाल ऐसे लगता है कि ताहा जी,
और एक एक बाल लगने के, एक बाल के 45 से 50 रुपए, तो बाल की कीमत है। और ऐसे पूरा सर किसी को कराना हो, माने 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच, तो जो खर्चा है वो 40,000 से 1,00,000। और जितनी अच्छी क्वालिटी के बाल लगवाओगे तो उतना कितनी दर्द सह रहा है। तो कईयों ने आसान काम रखा, वो विग पहन लेते। कौन इतनी मेहनत कराए? कभी अपने बालों पर हाथ लगा के, कभी प्रकृति को धन्यवाद दिया कि सिर में अभी बाल हैं, निकल जाएंगे, कुछ नहीं कर सकोगे। दांत हैं, निकल जाएंगे, कुछ नहीं कर सकोगे। जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, शोल्डर, हिप जॉइंट, नी, चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, निकल जाए, काम करना बंद कर दे, कार्टिलेज खत्म हो गई, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराते, बड़ी पीड़ादायी सर्जरी पहले, और फिर उसका कह रहे अगर सब सावधानियां रखे, पैर टेढ़ा ना करे, जमीन में ना बैठे, ऐसे ना चले, भागे नहीं, वो ना करे, पैर मोड़ नहीं सकता, चौकड़ी लगा नहीं सकता है, कितने तो उसकी सावधानियां हैं। जिंदगी भर वो दो घुटनों में सिराना रख के ही सोएगा, पलटी मार नहीं तो ऐसे, हाँ ना हो टांगे पहले मोड़ दो, दाढ़ी दा रह जाए, बोले निकल जाएगी, निकल जाएगी बॉल सॉकेट से, फिर बाहर, फिर खोलना पड़ेगा, फिर ऑपरेशन होगा, बचो, सावधानियां बरतो। बहुत सावधानियां बरत लो तो भी कितने देर चले? बोले 4 से 5 साल, मैं फिर दोबारा सर्जरी। कह रहे जी, हे भगवान, अजब। और लोगों को मैं देखती हूं कितने आलसी तोते हैं ये, यही योगासन करते रहे, सब हिप जॉइंट, सब सॉकेट, सब बॉल शरीर के तुम्हारे एकदम सुरक्षित रहें और बढ़िया लुब्रिकेटेड रहें और बढ़िया काम करें, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ ट्रांसप्लांट कराने की, कुछ चेंज करवाने की, जो है वही वही से काम, अगर उसको ठीक से संभाल ले तो यही बहुत देर चल जाएगा। पर तब नींद का मारा हुआ सुबह उठता नहीं, आलस करता है, शरीर को हिलाता नहीं, उसे लगता है फ्री में मिला, चलता ही रहेगा, इस भूल में मत रहो, ना ये फ्री है ना ये हमेशा चलता रहेगा। इसलिए देह का ध्यान रखो, पर यह भी याद रखो कितना ही ध्यान रख लो फिर भी छूटेगी। तज दिए प्राण काया रे कैसी रोई, चलत प्राण काया कैसे रोई, छोड़ गया निर्मोही। सपने हूँ रख गुरु का।
Thank you.
के ये सीधे तीर जैसे वचन जो कोई सुने और बीच में अगर कोई अविद्या की दीवार नहीं लगा रखी तो इस अहम की मद्य की आलस्य की प्रमाद की दीवार बीच में ना हो तो ये तीर सीधे हृदय में आघात करते हैं। पर जैसे किसी ने अगर अपने सामने शील्ड लगा रखी हो, ढाल लगा रखी हो, तो फिर तीर क्या करेंगे। कोई आपके देश पर मिसाइल फेंके पर देश के पास एंटी मिसाइल वेपनरी हो,